खेल के मैदान से तो आज भारत और श्रीलंका के बीच निर्णायक और वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाना है। और इस मुकाबले को इसलिए भी देखिए अहम माना जा रहा है क्योंकि भारतीय टीम आज हर हाल में ये मुकाबला जीतना चाहेगी और करो या मरो का मैच हम इसे कह सकते हैं भारतीय टीम के लिए। भारतीय टीम 0-1 से इस सीरीज में पीछे है और आज अगर भारतीय टीम यह मुकाबला जीतती है तो सीरीज बराबर हो जाएगी। ऐसे में आज का मुकाबला भारतीय टीम के लिए करो या मरो के जैसा है। वहीं बात करें श्रीलंका की तो श्रीलंकन टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी और भरपूर कोशिश श्रीलंका की होगी कि एक लंबे समय के बाद जो वनडे सीरीज भारत के खिलाफ जीतने का जो सूखा है उसको श्रीलंकाई टीम खत्म करे। उसे देखते हुए ये जो मुकाबला है दोनों ही टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और बेहद अहम होने वाला। तो भारत और श्रीलंका के बीच निर्णायक और तीसरा वनडे मुकाबला आज खेला जाना है और दोनों ही टीमों के लिए ये मुकाबला बेहद अहम है। दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। श्रीलंकन टीम जहां सीरीज आज जीतना चाहेगी वहीं भारतीय टीम सीरीज बराबरी करने के इरादे से मैदान पर उतरी। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे खेल एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। रंजन जी, आज वनडे सीरीज है और वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला आज खेला जाना है, दोनों टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला है ये? जी हाँ, भारत के लिए ये करो या मरो का मुकाबला है। जहां तक श्रीलंका की बात है तो श्रीलंका सीरीज में 1-0 से आगे है, तो थोड़ी स्थिति उसकी सुखद दिख रही है क्योंकि अब वो सीरीज हार नहीं सकता और दूसरी तरफ भारतीय टीम अब ये सीरीज जीत नहीं सकती। तो ये जो है वो सबसे बड़ा फर्क है इस मैच में जाने से पहले, क्योंकि अगर भारतीय टीम ये मुकाबला जीत भी लेती है तो वो सीरीज नहीं जीत सकती। हाँ, ये बात जरूर है कि वो जो है इस सीरीज स्क्वायर कर लेगी। दूसरी तरफ श्रीलंकाई टीम अगर इस मैच को जीतती है तो सीरीज उसके नाम हो जाएगा और दूसरी तरफ अगर वो हार भी जाती है तो वो सीरीज गंवाएगी नहीं, सीरीज स्क्वायर ही रहेगा, सीरीज बराबरी पर समाप्त होगा। तो सबसे बड़ा फर्क जो है वो इस मुकाबले के लिए यही है, लेकिन फिर भी भारतीय टीम जो है हर हाल में जीत चाहेगी, जीत से कम कुछ भी उसे मंजूर नहीं होगा। क्योंकि अगर आप श्रीलंका से बात करें तो 1997 में जब अर्जुन रणतुंगा कप्तान थे तब भारतीय टीम जो है वहां पर 3 मैचों की जो सीरीज थी वो गवाई थी। उसके बाद से भारत ने लगभग 11 सीरीज हुए हैं और उन सभी में जो रिजल्ट आया है वो भारत के फेवर में ही आया है, लेकिन फिर भी ये चीज कोशिश होगी। और रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के सामने ये गंभीर समस्या है कि वो इस पर किस तरह से जीत पाते हैं, और इसलिए आज भारतीय टीम सब कुछ झोंकने के लिए तैयार है और इस काम के लिए आपको जो पुरानी गलतियां हैं उसे दोहरानी नहीं होंगी। जो गलतियां इस सीरीज में हुई हैं, खास करके मिडिल ऑर्डर ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है वो निराशाजनक रहा है, जबकि मिडिल ऑर्डर में आप देखते हैं कि विराट कोहली और केएल राहुल जैसे मंझे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन बावजूद इसके कई बार तो मुझे लगता है कि इस स्पिनिंग ट्रैक पर स्पिनर्स को खेलने में इंडियन बैटर्स को परेशानी हो रही है, और उससे भी ज्यादा हैरानी इस बात को देखकर होती है कि जो स्ट्राइक रोटेट होना चाहिए, जो सिंगल डबल का गेम होता है, मानो भारतीय बल्लेबाज उसे एक मेमोरी लॉस हो गया है कि ऐसे भी क्रिकेट होती है। ये चीजें जो है वो देखने को नहीं मिल रही है, तो निराशाजनक रहा है ये इंडियन का प्रदर्शन। तो आज अगर आपको मुकाबला जीतना है तो बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी, खास करके मिडिल ओवर्स में जो आप विकेट थोक में गंवा रहे हैं उस तरह से नहीं हो। विराट कोहली को एंकर रोल प्ले करना होगा, अच्छी शुरुआत मिल रही है हर मैच में। रोहित शर्मा जब खेलते हैं तो वो एक अलग पिच पर खेल रहे होते हैं, बाकी टीम एक अलग पिच पर खेलती है, तो बाकी बैटर्स को भी अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज जो है वो कई बार ऐसा होता है कि जो खिलाड़ी लगातार अच्छा खेल रहा है उसका एक दिन खराब जाता है, तो अगर रोहित शर्मा का दिन खराब जाता है तो फिर क्या होगा। तो ये चीजें इंडियन टीम को समझनी होंगी। इसके अलावा प्लेइंग 11 आपको बहुत समझदारी से चुनने की जरूरत है। ये बातें
द्रविड़ रोहित के काल में कही जाती थी कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, तो वही बात गंभीर और रोहित के काल में भी होनी चाहिए कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, मतलब विकेट जिस तरह का है टीम उसी तरह की चुनी जानी चाहिए। और यहाँ पर मुझे लगता है कि रेयान पराग की जगह जो है वो भारतीय टीम में बनती है, और चूंकि वो स्पिन गेंदबाजी कर लेते हैं और आप इसे महसूस भी कर रहे हैं कि आपको स्पिनर्स और चाहिए, तभी तो आपने शुभमन गिल से पहले मैच में एक ओवर की गेंदबाजी की, दूसरे मैच में रोहित शर्मा दो ओवर की गेंदबाजी करते हैं, मतलब आपको लगता है कि आपके पास एक और स्पिनर होना चाहिए। और जब आपको ऐसा लगता है कि एक और स्पिनर होना चाहिए तो फिर रेयान पराग क्यों नहीं है टीम में, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो कुछ एरियाज हैं जहां पर टीम का कंसर्न है, यहां पर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ भी बल्लेबाजी करने की जरूरत है। आप बिल्कुल सेल में नहीं जा सकते जब तक आप सामने वाले बॉलर की रिदम को बिगाड़ने के लिए थोड़े अग्रेसिव नहीं होंगे, रन बनाना मुश्किल होता है। और वेंडरसे के खिलाफ जिस तरह की बल्लेबाजी पिछले मैच में इंडियन बैटर्स ने की वो निराशाजनक था। ठीक है, उनका लेंथ बहुत बढ़िया था, लेकिन उस लेंथ को इधर से उधर करने के लिए इंडियन बैटर्स ने क्या किया? आपने अटैकिंग मूड में कभी तो आपने बल्लेबाजी की नहीं, क्योंकि जब आप डिफेंसिव थे तब भी आप आउट हो रहे थे, अटैकिंग होते तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, आप आउट ही होते। तो इसलिए जो है इन चीजों को समझने की जरूरत है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर भारतीय टीम जाती है तो मुकाबला जीत सकती है, क्योंकि इस भारतीय टीम में मादा है और वो श्रीलंका से बेटर टीम है, ये कहने में भी मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। और जब आप बेटर टीम हैं तो जीत आप ही डिजर्व करते हैं, तो बस ये एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात होती है उसकी जरूरत होती है। हालांकि एक मैच के आधार पर बहुत कुछ कहना सही नहीं होगा, लेकिन इस सीरीज में ही हमने देखा है, खास करके पिछले दोनों वनडे में, कि अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है टीम इंडिया। तो इसलिए उम्मीद है कि तीसरे वनडे इंटरनेशनल में भारतीय टीम पलटवार करेगी और सीरीज को स्क्वायर करेगी। चलिए, तो तीसरे मैच में भारतीय टीम से उम्मीदें हैं कि जो भी कंसर्न दिखे हैं बीते मुकाबलों में, उन मुकाबलों से टीम इंडिया सीखेगी और करो या मरो के इस मुकाबले में श्रीलंका को परास्त करेगी, ऐसी ही उम्मीद टीम इंडिया से की जा रही है।